जब जिसकी मौत लिखी होती है परमात्मा उसे ऊपर बुला लेता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब मरने वाले से भी बचाने वाला एक भगवान का रूप होता है, लेकिन इस समय हम संगम नगरी में हैं। संगम नगरी नैनी ओवरब्रिज के नीचे, जिसकी कहानी आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ उसकी पढ़ी होगी, जिसे मौत के कुआं के नाम से भी लोग जानते हैं। यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं अपनी पारिवारिक पहल की वजह से या किसी भी समस्या की वजह से, इसी यमुना ब्रिज के नीचे से सुसाइड करने के लिए आते हैं और यमुना नदी में कूद जाते हैं। बहुत सी जाने यहाँ पे गई है, बहुत से लोग यहाँ से जिंदा भी बचे हैं। लेकिन आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलाने वाले हैं जिन्होंने लगभग अभी तक 900 लोगों की जान बचाई है इसी यमुना ब्रिज के नीचे जब वो कूदते हैं। लेकिन यहीं वो नाविक है जो अपने जान पर खेलकर उनकी जान बचाते हैं। आज सीधे हम उनसे आज बातचीत करेंगे कि हमारे साथ जो मनोज नाविक जी है, जो मरने वाले लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। लगभग विगत 13 सालों से ये यहाँ पे नाव चलाते हैं और यहाँ पे जो सुसाइड करने के लिए लोग आते हैं, यमुना नदी से छलांग लगाते हैं, तो मनोज जी उन्हें बचाते हैं। आइए सबसे पहले हम मनोज जी से जानते हैं कि मनोज जी कब से आप ये यहाँ पे आप सेवा दे रहे हैं। नहीं मनोज जी, आप कितने साल के थे जब यहाँ पे आप नाव चला रहे थे? अब तक आपके समय कितने लोग यहाँ से छलांग लगा चुके हैं? अब तक यहाँ तक हमने लगभग कम से कम 1500 लोगों का छलांग लगा चुके हैं, 900 लोग को कहीं हम बचा चुके हैं। तो जब 1500 लोग यहाँ से छलांग लगाए हैं, 900 लोगों को आप बचाए हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, तो कैसा लगता था? मतलब जब आप नहीं बचा पाते थे, हमें एक अंदर से मतलब एक फील होती थी कि बताइए अगर होते ना मौत को बचा लेते हैं, और नहीं है तो समझ लीजिए बहुत दुख भरी बात थी कि जब नहीं बचा पाए लोगों को। अच्छा, जब आप नदी में जब छलांग लगाते हैं, लोग यहाँ से कूदते हैं, जब वो बचते हैं, तो उनको मतलब आप मोटिवेट करते हैं कि आप उनको समझाते हैं क्या? जी, उनके बारे में पूछते हैं कि आप काहे कूदते हैं, क्या कारण है, क्या दिक्कत है आपको, यही सब पता है भैया। घर से लड़ाई है, परेशानी है घर से, मतलब ये सब लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हैं। सरकार या प्रशासन की तरफ से आपको ऐसा अभी तक कुछ ऐसा नहीं, हमको कोई ऐसा मदद नहीं मिला। जब आप पानी में कूदते हैं बचाने के लिए, तो कभी आपको डर नहीं लगता है कि कहीं आपके साथ भी हादसा ना हो जाए? भैया डर तो सभी को लगता है, लेकिन फिर भी क्या है कि एक आदमी की जान बचाने से आदमी कहता नहीं कि उसकी जान बच जाए। आपके साथ कितने, आपकी टीम में भी बहुत सारे लोग हैं कि आप अकेले? हम अकेले हैं सर। अकेले ही आप लोगों को बचाते हैं? जी, बाकी कोई नहीं है यहाँ पर, सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक वहीं रहते हैं। परिवार के लोग भी कभी कभी आपको कहते होंगे कि तुम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, घर से भी बड़ा दबाव मिलता होगा, ऐसा कुछ है कि सपोर्ट मिलता है? पापा हमारे मना करते हैं, लेकिन क्या पापा तो हम यही बोलते हैं कि पापा लोगों को ज़िंदगी बचा देना, समझ लीजिए कि हमारे अंदर की आत्मा बहुत खुश होती है। घर से कम से कम किसी घर के व्यक्ति का घर उजड़ना ना पाए, कम से कम जब तक वो जिएगा तब तक उसके घर वाले को आशीर्वाद देंगे कि हाँ कोई नाविक था कि हमारे औलाद को बचा दिया। मनोज जी, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, महिलाएँ पुरुष भी कूदते हैं, तो कुछ ऐसे किस्से आते हैं, क्या ज़्यादा कारण होता है, किस लिए यहाँ आकर सफाई करते हैं? बस यही घर की परेशानी समझ लीजिए, घर पे कोई अगर कोई महिला पूछता है तो उससे पूछते हैं तो बोलते कि हमारे हस्बैंड मारते हैं गा, पीटते हैं गा। तो हम कहा कि जब घर पे जब हस्बैंड जब मारता है तो आप भाई प्रशासन के सामने जाओ, प्रशासन आपको मदद करेगी, अब यहाँ कूदने कोई समस्या का थोड़ी निकलेगा। पुरुषों का क्या रहता है, पुरुष जो कूदते हैं वो किस कारण से जाते हैं? बस यही लड़ाई या वो कोई अंदर के मतलब जो कोई का कोई खास बात होता है वो बताता नहीं, बट आदमी यही बताता है कि भैया लड़ाई करके आएगा, घर से कहेंगे मम्मी डांटी है पापा डांटे हैं, तो मुझसे पूछते हैं यार मम्मी पापा डांटने से आदमी इतना बड़ा कदम उठाएगा। ये मेरा लास्ट सवाल है, यहाँ से लोग नदी कूदते हैं कहीं ना कहीं आपको भी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो प्रशासन से आपकी कुछ मांग है कि यहाँ की ऐसी बैरिकेडिंग होनी चाहिए जिससे लोग? प्रशासन से अभी तक हम यही चीज मांग रहे हैं कम से कम यहाँ पे एक आध दो लोग चार लोगों को रखा जाए सुबह शाम के लिए, अगर सुबह शाम के लिए आदमी आए। देखिए क्या है कि ना कि आदमी आता तो है अपने काम से, लेकिन जब आदमी ये सब समस्या में फंस जाता है तो आदमी जब कुछ ही नज़र के सामने कूद जाता है तो उसी डर से बचा लेते हैं। अब जब यहाँ कोई नहीं रहेगा तो आदमी कूदेगा तो मरेगा, तो वही आगे भी आपका बचाने वाला जो प्रक्रिया वो चालू रहेगा जब तक हम रहेंगे तब तक चालू। अभी हाल में किसी को बचाया? अभी हाल में एक महिला को बचाया थे, वो अपनी बच्ची को लेकर 5 साल की बच्ची को लेकर कूद गई थी। बचा लिए थे दोनों लोगों को बचा लिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पत्रकार के लिए। देखिए, ये हमारे साथ मनोज जी थे जिनका एक ही मात्र मोटो है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं कूदते हैं उनकी जान बचाना। अब तक ये लगभग 900 लोग लगभग हजार लोगों की जान बचा चुके हैं,
लेकिन उनका बस इतना मांग है सरकार से या प्रशासन से कि जैसे ये अकेले समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, कहते हैं ना कि मरने वाले से ज़्यादा बचाने वाला उसके लिए बड़ा होता, तो इनके साथ एक टीम खड़ी हो जिससे मनोज जी यहाँ पे जो लोग सुसाइड करते हैं कम से कम वो कूद तो जाते हैं किसी पारिवारिक कहल की वजह से, लेकिन जब उनकी जान बच जाती है तो कहीं ना कहीं वो दोबारा इस तरह की हिम्मत नहीं करेंगे। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।